स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC JOA अकाउंट्स पोस्ट कोड 815 के सिलेबस के बारे में, क्या पैटर्न है जो अभी फॉलो कर रहे हैं HPSSC वाले। तो अभी जूनियर ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था 759 पोस्ट कोड के अगेंस्ट, तो उसमें जो पैटर्न रहा था और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में वो सेम ही था। उसमें अभी इनकम टैक्स के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अभी जो है सभी हर एक जो पार्ट हैं तो उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो जो पेपर रहेगा वो टू पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट 120 जो क्वेश्चन रहेंगे वो कॉमर्स से रिलेटेड रहेंगे, और 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके, जिसमें एचपी जीके के 15 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन इंग्लिश के, 3 हिंदी के, 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के, इस तरह से रहेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो 120 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें पहले टैक्स से क्वेश्चन रहेंगे 5 से 7 तक, उसमें इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स उनके क्वेश्चन आ सकते हैं, जीएसटी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो टैक्सेशन पार्ट आपको करना है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग, उसके भी 5 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6-7 से 10 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट है शेयर मार्केट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3 से 5 क्वेश्चन। बैंकिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 से 5, और बिजनेस इन्वायरमेंट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो पार्ट है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स की, तो इनसे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन एक पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। एचआर के भी 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्वेश्चन आएंगे आपको 5 से 7 क्वेश्चन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्वेश्चन आएंगे, कॉरपोरेट अकाउंटिंग से 20 से 25, इन दोनों पार्ट से आएंगे क्वेश्चन। और एफएम से भी क्वेश्चन आएंगे आपको 10 से 15। बजटिंग हो गया आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, लिवरेज से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन आएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन आएंगे आपके, रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल। तो ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा। और एक और टॉपिक है कंप्यूटर, तो इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर और टैली के। इस कंप्यूटर में एक्सेल और एक्सेल के फॉर्मूले इन द सेंस बेसिक एक्सेल और टैली, ये आप पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए और आपने पढ़ा ही ना हो। टैली के क्वेश्चन हॉट कीज़ जो रहती है कि प्रिंट वाउचर करना हो टैली में, तो कौन सी कमांड प्रेस करते हैं, डेट कैसे निकलती है, कौन सी शॉर्टकट की है, तो आप पढ़ के जाइएगा। तो ये थे 120 क्वेश्चन जो कॉमर्स से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा आपका जीके सेक्शन, 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से, इंग्लिश के 3, हिंदी के 3, करंट अफेयर्स 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, एचपी जीके के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, और बाकी जीके के जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसमें कंस्टिट्यूशन रहे आगे आपका, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी, जनरल साइंस। तो ये टॉपिक आपको करने हैं। तो यही फॉर्मेट अप्लाई होगा एग्ज़ाम में, तो आप इसके अकॉर्डिंग स्टडी करें। और इसके अनुसार मैं आपको वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।